तो स्टार्टिंग में हमें 3 पाल हमें नींद से उठाते हैं, और जब मैं नींद से उठता हूँ तो ये लोग भाग जाते हैं, और एक तो गिर ही जाता है भाई, मतलब कि बहुत डरपोक ये लोग होते हैं। तो यहाँ पर हमें एक टैब नज़र आया है एंड उसके अंदर द टावर आर द की लिखा हुआ है एंड द ट्री होल्ड द ट्रूथ। पता नहीं ये क्या है, इसे हम उठा लेते हैं एंड निकलते हैं अपनी जर्नी के लिए। यहाँ पर मैं एक गुफा में स्पॉन हुआ हूँ एंड सच बताऊँ तो मैंने इस गेम को पहले से खेला हुआ है, तो ज़्यादा ओवर एक्टिंग नहीं करेंगे हम। तो यहाँ पर इस टावर को मैं अनलॉक कर लेता हूँ। फिलहाल ये टावर से हम फास्ट ट्रैवल कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिख के भी आ चुका है। तो इसमें हम पहले वुड और जो रॉक्स गिरे हुए होते हैं उसको मैं उठा लेता हूँ, ताकि मैं क्राफ्टिंग टेबल या प्रिमेटिव वर्क बेंच को बना सकूँ। एंड इधर कुछ बेरीज हुए हुए थे तो मैं इसे भी कलेक्ट कर लेता हूँ एंड इन बेरीज को मैं खा सकता हूँ एंड मेरे जो पाल्स होंगे उन्हें खिला भी सकता हूँ, ये काफ़ी अच्छा है। तो मैं यहाँ से नीचे चला जाता हूँ कुछ इस तरीके से, पर मुझे फॉल डैमेज पड़ा थोड़ा सा। तो इधर एक रिवर गई हुई है जो देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। तो यहाँ पर मुझे सामने एक टावर और नज़र आया है एंड इधर काफ़ी सारे पाल्स है भाई, तो इसे भी हम अनलॉक कर लेते हैं। एंड ये जो पाल्स आप देख रहे हैं पीछे, ये 3 पाल्स हिरन के जैसा, वो काफ़ी ख़तरनाक पाल्स है भाई। तो गाइस मुझे यहाँ पर एक टैब की तरह ही पता नहीं ये क्या है वो नज़र आया था, तो मैं इसे कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड ये काफ़ी अच्छा जगह मुझे मिला है जहाँ पर मैं अपना बेस बना सकता हूँ। और इधर तो एक पाल फेयर भी गिरा हुआ है, तो इसे हम उठा लेते हैं और एक प्रिमेटिव वर्क बेंच को प्लेस कर लेते हैं, ताकि मैं अपना हथियार बना सकूँ। फिर मैं टेक्नोलॉजी वाले ऑप्शन में जाके कुछ चीज़ों को अनलॉक करता हूँ। फिर मैं एक पिकेक्स बना लेता हूँ जिससे मैं स्टोन खोद सकूँ, बिल्कुल माइनक्राफ्ट की तरह ही। तो जो लोग माइनक्राफ्ट खेले हुए हैं उनको पता होगा कि पिकेक्स का क्या काम होता है। एंड यहाँ पर मैं एक एक्स भी बना लेता हूँ जिससे मैं ट्रीज़ वगैरह कट कर सकूँ। तो हमारे टूल्स बनकर रेडी हो गए हैं, तो अब हम इसे कलेक्ट कर सकते हैं कुछ स्टोन एंड कुछ ट्रीज। तो कुछ रिसोर्सेज कलेक्ट करने के बाद मैं अपने लिए एक चेस्ट बना लेता हूँ जिससे मैं अपने बेस में ज़्यादा से ज़्यादा सामान को रख सकूँगा। फ़िलहाल के लिए मैं इसमें कुछ ट्रीज और कुछ स्टोन्स वगैरह रख देता हूँ। गाइज आप यहाँ पर एक ब्लू कलर का पत्थर देख सकते हैं, इसको हम कहते हैं पेल्डियम फ्रेगमेंट एंड इनसे हम बनाएंगे कुछ पाल स्फेयर। पाल स्फेयर एक ऐसा बॉल है जिसको हम पाल्स को कैप्चर करने के यूज में ला सकते हैं। तो ये है वो पाल स्फेयर जिसकी मैं बात कर रहा था। तो टोटल 15 बॉल्स बन रहे हैं, तो इसे हम क्राफ्ट कर लेते हैं। तो वेपन में अपने लिए एक बो बना लेता हूँ जिससे काफी अच्छा डैमेज जाता है, और बो को चलाने के लिए ऑब्वियसली हमें कुछ तीर भी लगेंगे, तो उसे भी हम क्राफ्ट कर लेते हैं। तो 12 एरो क्राफ्ट हो चुके हैं एंड इससे मैं कुछ पाल्स पकड़ सकता हूँ। तो सामने मुझे एक फॉक्स नज़र आई है, तो गेम के पहले पाल की शुरुआत हम इस फॉक्स से ही करेंगे। तो इसे हम मारना स्टार्ट करते हैं एंड डैमेज तो अच्छा खासा जा रहा है, और रेड गैस तो मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर दिया है। तो अब हम इस पर पाल्स पे फेंक कर देखते हैं, ये आई थिंक फर्स्ट में ही कैप्चर हो जाना चाहिए। 88% एंड ये लो 100%, तो ये हमारे पास आ चुकी है। तो यहाँ पर मुझे एक ब्लू कलर का पाल दिखा है जिसका नाम है पेंगुलेट एंड ये एक बर्फीला पाल है, इसे भी हम पकड़ लेते हैं। हमारे पास एक आग वाला पाल हो जाएगा और एक बर्फीला पाल, तो ये काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका है, तो इस पर हम एक पाल फिर फेंक देते हैं एंड इसको भी आ जाना चाहिए 87 एंड ये भी 100% कैप्चर हो चुका है। तो हमारे पास 2 पाल्स आ चुके हैं अभी। तो गाइज हमें इन पाल को अपने बेस में काम कराने के लिए हमें एक पाल बॉक्स को बनाना पड़ेगा एंड इस पाल बॉक्स के कुछ लेवल्स भी होते हैं जिसको हम अपग्रेड करके अपने पाल्स के नंबर्स को अपने बेस के ऊपर बढ़ा सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं अपने बेस पर पेंगुलेट को डिप्लॉय कर देता हूँ। तो मेरे पास काफ़ी कम वुड थे इसीलिए मैं थोड़ा सा और क्विकट कर लेता हूँ। तो अब बारी है एक घर बनाने के लिए, तो मैं सबसे पहले एक वुडन का फाउंडेशन लेता हूँ और कुछ इस तरह लगाना स्टार्ट करता हूँ। एंड इतना लगने के बाद मैं कुछ विंडोज भी लगा देता हूँ ताकि ये थोड़ा और अच्छा लगे। तो कुछ विंडोज लगाने के बाद मैं कुछ दीवारें भी लगा देता हूँ।
एंड अब बारी है एक डोर लगाने की, तो हम उसे भी लगा लेते हैं जिससे मैं अपने घर में आ सकूँगा। तो अब बारी है घर का रूफ कंप्लीट करने के लिए, तो मैं इसका रूफ ढक देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो हमारा रूफ भी कंप्लीट हो चुका है एंड ये छोटा सा घर हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो गाइज अब मुझे अपने लिए एक बेड बनाना है और मैं एक ऐसे पाल के खोज में हूँ जिससे मुझे कुछ वुल्स मिल सके। तो सामने मुझे क्रीमिस दिखा है एंड इसको मारने से शायद हमें वुल मिलता है। तो इसे हम मारेंगे नहीं, पकड़ेंगे। तो पकड़ने से भी हम इससे वुल ले सकते हैं। तो गाइज मैं मार तो एक पाल को रहा हूँ बट मुझसे मज़े ये चारों पाल से ले रहे हैं। तो मैं इनको बताता हूँ, मैं चारों को कैप्चर करूँगा। तो एक तो कैप्चर हो चुका है, तो अब इसके भाई को भी हम कैप्चर करते हैं। एंड ये दो पाल बचे हुए हैं जो काफ़ी ज़्यादा तंग कर रहे हैं, जिसका नाम है घूमोट। तो एक के ऊपर मैंने फेंका बट ये नहीं हुआ, तो एक के ऊपर मैं फिर फेंकता हूँ एंड इसको मैं एक एक्स देता हूँ, तब ये थोड़ा और डैमेज होगा। ओ भाई ये तो मर ही गया, बट कोई बात नहीं, इसका भाई मेरे पास आ चुका है। तो गाइज हमें यहाँ पर दो और क्रीमीज दिखे हैं, तो मैं इसे भी पकड़ के देखता हूँ। तो इसे हमने कुछ एरो बजाए हैं एंड ये काफ़ी डैमेज हो चुका है। तो अब इस पर फेंकते हैं हम बॉल, और इस पर गई बॉल एंड इसका भाई बचा हुआ है। तो इसके भाई को भी हम डैमेज करके पकड़ लेते हैं। ये बजाई हमने तीर, और एक तीर और मारते हैं एंड ये काफ़ी डैमेज हो चुका है, इसको भी पकड़ लेते हैं। एंड ये तो ऑलरेडी 100% था, तो ये पकड़ में आ चुका है। तो फटाफट से हम अपने लिए एक बेड बना लेते हैं ताकि मैं जल्दी से दिन कर सकूं। एंड इसको कुछ इस तरह से प्लेस करते हैं एंड इसको बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। तो ये बनकर रेडी है, अब हम इस पर सो जाते हैं। तो गुड मॉर्निंग गाइस, एक नई सुबह हो चुकी है। एंड भाई ये कौन है, मर्चेंट ट्रेडर? गाइस हम इसको पकड़ सकते हैं क्योंकि ये एक लेवल का है, देखते पकड़ के, पकड़ में आ जाए तो ठीक है। तो इसके हेड पर मैं एम करता हूँ और ये पट से हेडशॉट, एक दो शॉट और मारता हूँ। ओ भाई इसके पास तो गन्स भी है, तो ये काफ़ी डैमेज हो चुका है। तो ये हम इस पर पास पर फेंक के देखते हैं एंड आई थिंक ये हो जाना चाहिए। अरे नहीं हुआ भाई, ओ भाई सब ने तो इसको मार दिया यार। चलो कोई बात नहीं है, हम इसको बाद में पकड़ेंगे। तो गाइस मेरे पास कुछ नई चीज़ें आई हैं, तो इसको मैं अनलॉक कर लेता हूँ। जैसा कि शील्ड है, कुछ कपड़े हैं एंड बेरीज प्लांट है। तो मैं अपने लिए एक कपड़ा बना लेता हूँ ताकि मैं थोड़ा अच्छा लग सकूँ। एंड मैं अपने पाल्स के लिए कुछ बेड भी बना लेता हूँ क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रेस में जा रहे थे। तो यहाँ पर मैं एक शील्ड भी बना लेता हूँ जो कुछ देर पहले मेरा अनलॉक हुआ था। एंड मेरे पास एरो ख़त्म हो गया था, तो मैं कुछ एरोज भी बना लेता हूँ। एंड गाइस जस्ट मैं टहल ही रहा था कि मुझे सामने एक उड़ने वाला पाल नज़र आया है। इसका नाम मुझे पता नहीं है, अब मुझे सामने देख के पता चलेगा। इसका नाम है नाइट विंग। तो हम इससे पंगा ले लेते हैं, देखते हैं हम इसको पकड़ पाते हैं कि नहीं। तो ये आ गया है नीचे एंड इसका अटैक, वो भाई इसका अटैक काफ़ी तगड़ा है। इसे हम डैमेज देते हैं एंड काफ़ी कम डैमेज जा रहा है यार, और मैं अच्छा से डॉज भी नहीं कर पा रहा हूँ। ओ भाई इसका क्या अटैक है, ये मेरे बेस में आ चुका है, तो मेरे सारे पाल्स मिलकर इसको डैमेज दे रहे हैं, तो मेरे लिए काफ़ी आसान हो रहा है। और इसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल है मेरा पेंगुलेट, ये काफ़ी अच्छा डैमेज दे रहा है इसको। तो गाइस मेरे पाल्स ने इसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे दिया है, और अब हम इस पर फेयरवॉल फेंक कर देखते हैं। आई थिंक हो जाना चाहिए, 35 हो जा भाई, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, 65। ओ भाई नहीं हुआ यार। तो गाइस मैंने इस पर एक और पाल फिर फेंका है, अब हो जाना चाहिए प्लीज़। अरे भाई फिर से मैं फेंक कर देखता हूँ, 36, इस बार हो जाना चाहिए यार क्योंकि काफ़ी डैमेज था। एंड लेट्स गो भाई। तो गाइस हमारे पास आ चुका है एक नाइट विंग जो काफ़ी अच्छा पाल है, एंड इसका मैं सेडल बना सकता हूँ आई थिंक एक दो लेवल अपग्रेड होने के बाद। तो इसको मैं रख लेता हूँ अपने पास, और सामने मुझे मेल फेंका नज़र आई है, इसको मैं पकड़ सकता हूँ आसानी से क्योंकि मेरे पास नाइट विंग आ चुका है। और ये भाई क्या ही अटैक करता है यार, वो भाई साहब बहुत, इसका अटैक बहुत ख़तरनाक होता है लेकिन। तो ये काफ़ी अच्छा अटैक दे रहा है दोनों को। ऑलराइट गाइस, तो मामला बिगड़ चुका है एंड ये लोग मेरे पर हावी पड़ रहे हैं। तो इस पर मैं फेंक कर देखता हूँ, वो भाई नहीं हुआ, एक बॉल और फेंक कर देखता हूँ, हो जाना चाहिए। वो भाई दो होते हैं ना यार, काफ़ी तंग करते हैं, एक में तो संभाल लेता हूँ। चलो एक तो हो गया है,
अब ये दूसरे को मैं संभाल कर देखता हूँ भाई। हो जाए यार प्लीज प्लीज भाई, नाइटविंग भी नहीं पा रहा है यार इसको मारने के लिए। तो गाइस मैं इसके अटैक को तो अच्छे से डोज कर दे रहा हूँ, बट ये डैमेज उतना नहीं खा रहा है, तो अब फेंक कर देखते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डैमेज उसका था। नहीं हो रहा भाई, एक और फेंक कर देखते हैं प्लीज़, इस बार हो जा भाई। अरे कौन सा मिट्टी का बना हुआ है भाई, तेरे से अच्छा तो नाइटविंग है, आ जा भाई प्लीज़। तो चलो गाइस, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल के बाद ये भी आ चुका है। तो गाइस मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, मेरे पास अच्छा से काम क्यों नहीं कर पा रहे। तो अब मुझे पता चला कि मैंने इनके लिए खाने का इंतजाम ही नहीं कर पाया भाई। तो पहले मैं इनके लिए बेरी प्लांटेशन को प्लेस कर देता हूँ, क्योंकि ये लोग काफ़ी भूखे हैं यार, इतने देर से मैं इनको काम करा रहा हूँ। तो ये कंप्लीट हो जाएगा, इनको मैं छोड़ देता हूँ और पहले फीड बॉक्स को प्लेस कर देता हूँ और इनके लिए कुछ खाना पीना दे देता हूँ इसमें। तो थोड़ा सामने रखते हैं बेरी प्लांटेशन से, ताकि इनको ट्रांसपोर्टिंग के लिए थोड़ा दिक्कत ना हो। तो इसमें मैं थोड़ा बेरीज दे देता हूँ, मेरे पास भी बेरीज नहीं है उतनी, तो 12 बेरीज डाल देता हूँ यार। देखो भाई पेंगुलेट किस तरह खाने के लिए आ गया। तो चलो गाइज अब हम चलते हैं कुछ नए पास पकड़ने के लिए। तो गाइज मेरा लेवल 7 हो चुका है और इस गेम का सबसे कमज़ोर पाल लैम्बोल को नहीं पकड़ा भाई। वाह वाह भाई वाह। तो पहले हम इसको पकड़ लेते यार, वरना कोई बेइज्जती मार देगा। तो ये फॉक्स ने इसको डैमेज दिया है और इसको भी हम डैमेज दे देते हैं एंड इसको पकड़ लेते हैं, तो ये कैप्चर हो जाएगा। तो ये हो चुका है और मुझे ये नया पाल नज़र आया, इसको हम पकड़ कर देखते हैं। अरे भाई ये तो एक नंबर का डरपोक है यार इसको। भाई एक बात सही बताऊँ, जो जितना डरपोक होता है ना उसको पकड़ना और मुश्किल होता है। मतलब मैं इसको कितना देर से पकड़ रहा हूँ यार, ये तब से भागे जा रहा है भाई। रुक तेरे को मैं बताता हूँ, ले आगे जाके फंस गया ये, अब हम इसको आसानी से मार सकते हैं। कहाँ जाएगा भाई, आगे आगे खाई है। तो अब इसको हम मारते हैं, ले भाई डैमेज वो भाई नहीं पड़ा, अभी लगा लगा है। अब इस पर हम फेंकते हैं, फिर ये आ जाएगा एक बार में, क्योंकि ये काफ़ी डरपोक पाल है, ये तुरंत कैप्चर हो जाएगा। तो ये हो चुका है। तो गाइस आगे मुझे हाथी का बच्चा नज़र आया था, तो उसे मैं डैमेज करके पकड़ लेता हूँ एंड ये कैप्चर भी हो जाता है। पर ये कौन है रे, ये लेट 11 लेवल का ये बॉस पोकेमोन है भाई। गाइस हम इससे पंगा ले सकते क्योंकि ये ज़्यादा लेवल का है नहीं, बट पहले हम घर जाके सो लेते भाई, क्योंकि अंधेरे में कुछ समझ में भी नहीं आता कि किस तरह फाइट करना है और आपको भी नज़र नहीं आता। ऑलराइट गाइस, तो एक नई सुबह हो चुकी है, तो मैं अभी जाके कुछ एरोज बना लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास एरो ख़त्म हो गए थे और ये बॉस पोकेमोन है तो इसमें काफ़ी एरो ख़त्म होने वाले, एंड कुछ पाल्स फेयर भी मैं बना लेता हूँ। एंड चलो अब पकड़ने जाते हैं उस बॉस पोकेमोन को। तो गाइस वो पहाड़ के ऊपर रहता है और उसका रास्ता आगे से है, बट हम इधर से शॉर्टकट मारते हैं, क्लाइम करके जाते हैं। तो ये ऑलमोस्ट चढ़ने वाले हम, ये रहा भाई मिल गया। तो मैं नाइटिंग को भेजता हूँ और ये अटैक कर भाई। अबे क्या कर रहा है अटैक करना, तो इसने अटैक किया और भाई साहब काफ़ी कम डैमेज दिया यार। अरे भाई ये इसने तो नाइटिंग को जमा दिया यार। रुक तेरे को बताता हूँ भैंस की टांग। तो गाइज ये काफ़ी गंदा वाला अटैक कर रहा है, मैं डोज कर रहा हूँ इतना ज़्यादा, फिर भी मेरे शील्ड को तोड़ दे रहा है ये। ऑलराइट गाइस, तो मैंने इसका जैसे तैसे तो 50% हेल्थ ख़त्म कर दिया है, बट ये इसका डैमेज काफ़ी कम जा रहा है यार। तो मैं इतना मार रहा हूँ बट ये मर ही नहीं रहा। वो भाई नेटिंग जाने वाला है, इसको मैं बुला लेता हूँ एंड मेलपे को उसको भेजता हूँ। जा मेलपे का दिखा दे भाई, इसका HP तो मैंने काफ़ी ज़्यादा ख़त्म कर दिया है बट ये हार मानने का नाम नहीं ले रही यार। ऑलराइट गाइस, अब टाइम आ चुका है इस पर पाल फिर फेंकने का, तो इस पर हम फेंक कर देखते हैं। का हेल्थ 37 है और ये नहीं हुई यार कैप्चर, थोड़ा सा और डैमेज देने देते हैं। एक डैमेज और दे भाई, एक बार और फेंक कर देखते हैं, हो जाए तो ठीक है भाई प्लीज़ प्लीज़ हो जाए यार। यस भाई साहब, हमारे पास एक बॉस पोकेमोन आ चुका है। तो ऑलराइट गाइस, इस वर्ल्ड का पहला बॉस पोकेमोन हमारे हाथों से मारा जा चुका है एंड ये रहा वो बॉस पोकेमोन, इसको हम बुलाते हैं। ओ भाई कितना क्यूट लग रहा है यार। फिलहाल गाइस जो स्टार्टिंग में हमें हिरन दिखी थी वैसा ही हिरन इधर भी है, इसको हम पकड़ के देखते हैं। नाइटविंग के तो मैंने भेजा है,
अब देखते वो क्या कमाल दिखाता है हमारे लिए। ओ भाई साहब, मैंने डोज कर लिया है। तो गाइज इसने काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर दिया है मेरे फोक्स ने, इसको जला जला कर काफ़ी ज़्यादा डैमेज किया। इसको हम पकड़ कर देखते हैं। और 45, 73 एंड ये भी कैप्चर हो चुका है। तो हमारे पास दो बढ़िया बढ़िया पाल्स आ चुके हैं, ये काफ़ी अच्छी बात है। तो गाइस पाल वर्ल्ड में मुझे सबसे अच्छा लगता है स्लाइड करना यार, मतलब जहाँ भी मैं ढलान देखता हूँ वहाँ स्लाइड करने में क्या ही मज़ा आता है। तो इसी तरह स्लाइड करते करते मैं अपने घर के पास पहुँच चुका हूँ एंड मैं एक हिती डियर का काम दिखाता हूँ कि वो किस काम का है। तो गाइस यहाँ एक ट्री है एंड अब मैं इसको बोलता हूँ इसको कट करने के लिए एंड ये अपने काम पर लग जाती है, यानी इसका काम है वुड कटिंग करना। यहाँ पर मैं कुछ एरो क्राफ्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे थोड़े से और पाल्स पकड़ने जाना है। एंड इस बार मैं इधर जाने वाला हूँ क्योंकि मैंने इधर बिल्कुल भी एक्सप्लोर नहीं किया है। तो देखते हैं इधर कौन कौन से पाल हमें मिलेंगे। तो ऑलराइट गाइस, हमें एक बतख नज़र आया है जिसका नाम है फुआक, जिसको मैं भेजता हूँ। वो भाई चिल्लेट क्या कर रहा है यार, बेइज्जती मत करवा। अरे भाई मैंने तो उसको नीचे भेज दिया। ओ भाई इधर क्या है, इधर तो पिंक थे यार, जंगली सुअर। अरे भाई क्या ही अटैक कर रहे यार, बट अपने पास चिल्लेट है यार चिल करने का, कोई टेंशन नहीं है, दोनों को ख़त्म करेगा। ये देखो किस तरह जमा रहा है भाई, क्या ही तगड़ा पोकेमोन है, बट ये भी काफ़ी तगड़े हैं। ऑलराइट गाइस, तो एक पिग तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका है, तो इसको पकड़ कर देखते हैं। तो ये फिर कि हमने पाल्स फेयर और देखते हैं पकड़ में आता कि नहीं। 73, ये काफ़ी ज़्यादा डैमेज था तो ये हो जाना चाहिए एंड ये हो गया है भाई। अरे पर इधर तो देखो भाई, वो बतख हमें मिला है, वो आग जिसको हम कह रहे थे, ये बच के जाएगा कहाँ। मैंने एक ती डेर को बोला इसको मारने के लिए। वो भाई साहब काफ़ी अच्छा डैमेज देती है। तो एक एरो और बजाते हैं एंड उसके बाद हम पाल्स फिर फेंकते हैं। तो इस पर हमने फेंका है, ये डैमेज तो था बट नहीं हुआ यार, वो भाई मेरे वेस्ट करा दिया यार। तो मैंने एक और फेंका है, अब देखते हैं ये होता कि नहीं। 76 एंड 89, अरे भाई कितना पागल पोकेमोन है भाई, हो जाना यार। इसको थोड़ा सा हल्का सा एरो मारना पड़ेगा, अब हो जाना चाहिए। इस बार इसका काफ़ी कम हेल्थ है यार, अब तो हो जाना चाहिए। 91 एंड ये हो गया। ओ भाई इधर तो एक और पोकेमोन है, इसका नाम क्या है, इसका नाम पार्क किट। ओ भाई साहब तो भी आ जाएगा मेरे चंदुल। ओ भाई बिजली का झटका देता यार। अरे भाई ये तो मर गया, एक को तो मैं पकड़ूंगा यार, एक को तो मैं पकड़ना बनता है भाई। बिजली का झटका देता है यार, काफ़ी भी अच्छा पाल है। इसको हम थोड़ा सा और डैमेज देते हैं एंड अरे भाई ये तो मर गया यार। अरे भाई भाई साहब, फिलहाल यहाँ पर एक सुअर नज़र आया है, इसको हम मारते हैं एंड ये वही सुअर है जिसको हमने काफ़ी डैमेज दिया था। इसको हम पकड़ कर देखते हैं, ये वैसे आ जाएगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डैमेज है, ये 99% 100%, बट वो मर गया यार, मुझे काफ़ी दुख हो रहा है उसके लिए। अरे भाई इधर कौन है भाई, ग्रीन कलर का बकरी है ये, क्या नाम है इसका, पता नहीं क्या नाम है। वो भाई दो दो है यार और ग्रीन कलर का, पता नहीं ये क्या फेंक रहे हैं। अरे यार दो को हैंडल करना काफ़ी मुश्किल है भाई, एक को तो एक ही डियर हैंडल कर लेगी बट ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है भाई, क्योंकि ये ग्रीन कलर का फ्लेम फेंक रहा है भाई, पता नहीं ये क्या है। वैसे इसको मारने के लिए मैं हैट का सहारा ले सकता हूँ भाई, एक चीज़ दिखाऊँ, देखो ये भाई एक ही डियर को इन लोगों ने बांध दिया यार, मतलब कि वो हिल भी नहीं पा रही है। गाइस यहाँ पर एक फनी चीज़ हो गई है, सभी लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं यार, ये उसको मार रहा है वो इसको मार रहा है, बट मेरे लिए ये काफ़ी फ़ायदे वाला चीज़ है। फिलहाल यहाँ पर मेरा नाइटविंग इस बकरी को पूरा अच्छे से संभाल रहा है और यहाँ पर स्पार्किट काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका है और मेरे लिए काफ़ी अच्छा ऑफर है, तो मैं पकड़ लेता हूँ। 75% एंड 88% वो हो जाएगा भाई, 100%। अब इसको देखते हैं ये बकरी होगी कि नहीं, ये भी हो जा भाई, लेट्स गो भाई, एक बार में दोनों को पकड़ लिया। एक और स्पार्किट है, शायद हम इसको पकड़ सकते हैं। थोड़ा सा और डैमेज दे भाई नाइटविंग, भाई थोड़ा सा और डैमेज दे, एक डैमेज और। अब हम इसको पकड़ के देखते हैं, ये फेंकी हमने पाल स्पेयर एंड ये गुमोस तो गया भाई, इसकी कहानी तो ख़त्म हो गई। चलो स्पार्किट भी हमारे पास आ चुका है। अरे भाई इसका भाई बकरी को तो मैं भूल ही गया था, चल मार दे इसको। हाँ ठीक हुआ भाई, तू मरने के लायक था। वैसे भी मुझे दो नहीं पकड़ने, मेरे को एक ही ठीक है, बट सामने क्या हो रहा है भाई।
वो भाई इधर तो डायर वन है, कुत्ते के जैसा दिखने वाले भेड़िए भाई, सब तीन तीन है यार। मैं जब भी इनको देखता हूँ ये झुंड में ही रहते हैं, एंड आप जब भी इनको गेम में देखोगे ये झुंड में ही रहेंगे। एंड ये अटैक, अरे भाई आ रहे हैं दोनों एक साथ, भाई मुझे भागना पड़ेगा, इधर क्लाइम करता हूँ। अरे यार इनको मारना काफ़ी मुश्किल होता है यार, क्योंकि ये झुंड में होते हैं, अकेले तो आते नहीं हैं, अकेले काफ़ी मुश्किल है इनको खोजना। तो मैं यहाँ ऊपर हाइट का एडवांटेज लेता हूँ। अरे किती डियर किधर उधर मार रहा भाई, तेरा मालिक इधर मर रहे हैं दो कुत्तों के सामने। भाई मार इनको मार भाई, एक को तो ख़त्म कर, एक के सामने तो मैं निपट लूँगा। ऑलराइट गाइस, तो काफ़ी डैमेज हो चुका है, इसको फेंक कर देखते हैं। आजा भाई। अरे यार डायर होल को पकड़ना काफ़ी मुश्किल है, एक और फेंकते। ओ भाई मेरा बॉल काफ़ी वेस्ट हो गया, मेरे पास कितना तीन ही बॉल बचा हुआ है यार। फिर आजा भाई, एक आजा, एक तो आ गया है, एंड ये दूसरा वाला भी काफ़ी डैमेज हो चुका है, इस पर फेंक कर देखते हैं, हो जाना चाहिए प्लीज। 41, 70% एंड 100%। ओ भाई हमारे पास दो डायर होल आ चुका है। गाइस फिलहाल मैं अपने बेस के पास जा ही रहा था कि इधर हुक्रेट्स नाम का उल्लू नज़र आया मुझे, इसको मैं मारता हूँ। और ये तीन ही लेवल का है, बट हेल्थ काफ़ी ज़्यादा है इसका, तो मेरे फॉक्स ने तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे दिया है। अब इसको पकड़ कर देखते हैं, 86% चांस था ये आ जाना चाहिए। एंड उसको भी पकड़ने के लिए मैंने खितीडर को भेजा है। अरे भाई ये तो लगता है मार ही देगा, रहने दे भाई। अरे भाई मार ही दिया यार, छोड़ो हटाओ, एक ही काफ़ी है। तो पहले हम दिन कर लेते यार सो के। तो गुड मॉर्निंग गाइज, एक और नई सुबह हो चुकी है। एंड गाइज जस्ट मैं बाहर आया, और मैंने बाहर आके देखा तो भाई सभी लोग इधर टॉम बैट को मार रहे। भाई लगता है ये रात को स्पॉन हुआ और दिन को डीस्पॉन नहीं हो पाया, जिस वजह से ये हमारे बेस में अटक चुका है। और भाई सभी मिल के इसे मार रहे यार, तो ये काफ़ी ज़्यादा डैमेज है, इसको हम पकड़ लेते हैं, ये आ जाना चाहिए क्योंकि हमने इसको बैक बोन से पकड़ा है। तो जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूँ कि टॉम बैट भी काफ़ी पावरफुल पाल है, तो इसको मैं अपने मेल पैका के जगह पर रख लेता हूँ। वो यार ये क्या हो गया, हमारी बेस पे रेड हुई है। वो भाई रेडर तो कभी भी आ सकते हैं। एंड गाइस मैं पीछे की तरफ आया था और इधर एक डेड ड्रीम है, इसको तो पकड़ना बनता है भाई, ये भी काफ़ी अच्छा पाल है। एंड ये सभी रात में स्पॉन होते हैं, और पता नहीं ये दिन में कैसे आ गए। तो ये काफ़ी अच्छा डैमेज दे रही है बकरी, एंड ये बांध देती है इसके। अरे भाई कुछ देर पहले मेरे यहाँ रेड हुआ था, तो दोनों को संभालना मुश्किल है। तो इसको मैं तो कैप्चर कर लेता हूँ, 81%, 92% एंड 100%। एंड अब इन लोगों को बताता हूँ भाई, गाइस इन लोगों को हम कैप्चर करके देखते हैं, ये आ जाएंगे तो मज़ा आ जाएगा भाई। इसको थोड़ा सा डैमेज हम देते हैं, एंड इसको कैप्चर करके देखते हैं। तो इसको हम बुलाते हैं, एंड ये काफ़ी डैमेज हो चुका है, इसको पकड़ कर देखते हैं, 19%। अरे भाई नहीं हुआ यार, थोड़ा सा और डैमेज खा थोड़ा सा। अरे यार इन लोगों ने मार दिया भाई, मैं अपने बेस में किसी को नहीं पकड़ सकता यार, छोड़ो कोई बात नहीं, हम बाद में पकड़ लेंगे। एंड गाइस मेरे बेस के बगल में इतना बड़ा टावर है, मेरे को पता ही नहीं है, और यहाँ पर एक फास्ट ट्रैवल वाला भी टावर। तो पहले इसको अनलॉक करते हैं, और इधर क्या क्या है भाई मेरे को कुछ पता भी नहीं है यार। और इधर, अरे भाई इधर तो सिंडिकेट का बेस है पक्का, इन्होंने कुछ किसी को बंदी बनाया होगा। और एक पाल है, इसको हम अनलॉक करते हैं, और ये हमारे साथ आ जाएगी। ओ भाई आजा भाई आजा आजा, पतली गली से हम निकल लेते हैं, इन लोगों से पंगा हम नहीं लेते यार, वैसे भी हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट होता है इन लोगों से। तो गाइस इसी ने हमें नींद से जगाया था, और इसी को हमने नहीं पकड़ा है, तो इसको भी हम फटाफट से पकड़ लेते हैं। आजा भाई, 100% कैप्चर रेट। तो ये आ चुकी है। तो गाइस इधर एक ढलान गई हुई है, और ये ढलान को देखते हुए आपको क्या समझ में आ रहा है? यस भाई मैं यहाँ पर स्लाइड करने वाला हूँ। गाइस सच बताओ, स्लाइड करने में जो मज़ा है ना भाई, वैसा मज़ा मिलना बहुत ही मुश्किल है भाई। तो गाइस इधर हमें एग नज़र आया है, एंड ये है एक लार्ज डार्क एग, एंड इससे आई थिंक हम पाल्स निकाल सकते हैं। और गाइस पता नहीं मैं बातों में कहाँ गया हूँ, और मुझे लगता है कि ये बॉस का एरिया भाई, पक्का नीचे कोई बॉस होगा, मैं जाके देखता हूँ। अरे ये तो खाली है यार, कहाँ गए हैं पोकेमॉन? ओ ये रहे, एंड एक मेन पोकेमॉन है जिसका नाम है पैंकिंग, एंड बाकी इसके तीन चेले चपेटे हैं, एंड ये भी 12 लेवल के भाई, यानी मेरे से ये तीन चार लेवल आगे हैं।
तो गाइस मैं सोच रहा हूँ कि रात को आऊँगा, रात को ये सोते हैं तो इनको स्ट्रैटेजी से हम मारेंगे। फिलहाल अच्छी बात यह है कि हमें यहाँ पर एक फास्ट ट्रैवल वाला टावर नज़र आ गया है, जिससे मैं कभी भी आ सकता हूँ यहाँ पर। अब फटाफट से मैं अपने बेस के पास चला जाता हूँ। तो गाइज़ मैं अपने बेस में एक स्टोन पिट लगा देता हूँ, जिससे अब मुझे स्टोन्स की कमी नहीं होगी क्योंकि मेरे पास इसमें खुदाई करेंगे। फिर मैं एक पाल गियर वर्क बेंच भी प्लेस कर देता हूँ, क्योंकि मुझे एक सेडल बनाना है, एंड वो है एक डायर हॉल का सेडल, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले एक डायर हॉल पकड़ा था, एक नहीं बल्कि दो डायर हॉल पकड़ा था। तो गाइज़ रात हो चुकी थी और मैंने क्या बोला था कि वो रात को सोता है कौन, बॉस पोकेमोन। तो मैं वहाँ पर जाने वाला हूँ उससे फाइट करने के लिए, जिसका नाम है पैंकिंग। एंड मैं रात का एडवांटेज कैसे लेता हूँ देखो तुम। तो अभी मैं नीचे जाता हूँ एंड ये अब स्पॉन होंगे, एंड आई थिंक मेरे ख्याल से अभी इनको सोना चाहिए। एंड ये देखो ये चारों सोने लगे। एंड अब मैं किसी एक को टारगेट करूँगा, जैसे कि ये, एंड जब मैं इसको मारूंगा तो सिर्फ यही फाइट करेगा मुझे, क्योंकि बाकी के तीन घोड़े बेचकर सोते रहेंगे। तो फर्स्ट वाले को तो ऑलमोस्ट मेरे पाल ने ख़त्म कर दिया है, एंड अब बचे तीन। अब मैं इसको टारगेट में लेता हूँ और इसका भी खेल ख़त्म करता हूँ। एक अटैक और इसका खेल ख़त्म। तो ये भी मर चुका है और बचा अब ये छोटे वाले को भी हम ख़त्म करते हैं। तो अब ऑलमोस्ट इसका भी खेल ख़त्म हो गया है। तो अब बचा ये बड़ा वाला लास्ट बिग पोकेमोन, जिसका नाम है पैंक, एंड इसी को हमें पकड़ना है। तो इसको हम मारते हैं 1, 2 एंड 3। चलो भाई टॉम्बैट लड़ना स्टार्ट कर। तो गाइस आप सोच रहे होंगे कि मैंने टॉम्बैट को क्यों भेजा है, क्योंकि ये डार्क टाइप पोकेमोन है और डार्क टाइप पोकेमोन इन लोगों के लिए, आइथ वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा भयंकर होता है। तो देखो इसका साथ साथ का डैमेज आ रहा है क्योंकि इसने पॉइजन छोड़ा है उस पर। तो मैं इस पर अटैक करता हूँ और इसका ध्यान मेरे की तरफ रहेगा और वो पीछे से अटैक करते रहेगा। तो रेड गाइस अभी तो हमने इसका काफ़ी हेल्थ ख़त्म कर दिया है। ओ भाई, और ये हमें जमा दिया भाई, और उतना तो डैमेज हमें नहीं दे पा रहा है क्योंकि मैं हमेशा कवर में रहता हूँ। तो अब ये काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका है, एंड इसकी HP अब 28 में रुकी हुई है। तो इसे थोड़ा सा डैमेज देते हैं, एंड अब मैं स्पेयर बॉल फेंकता हूँ एंड 16%। आ जा भाई प्लीज़, इतना ज़्यादा डैमेज दे। अरे भाई नहीं आया यार, थोड़ा सा और डैमेज देना पड़ेगा। अरे भाई बट मेरे तो एरो भी ख़त्म हो गए, क्या करूँ। अरे यार कील तोड़ दिया यार इसने मेरी, 4% कैप्चर रेट दिखा रहा है। बट क्यों यार, मैंने तो इतना ज़्यादा डैमेज कर दिए थे। इसको मुक्के से मारता हूँ, एक का तो डैमेज जाएगा ही। तो 20, 19, 18, 17, भाई 15। अब देखते हैं। तो ये फेंकी मैंने पाल स्पेयर, एंड अब तो आ जाना चाहिए भाई। 15 HP है, अब तो नहीं आएगा। अरे भाई इतना कम HP क्यों नहीं आ रहा है। थोड़ा सा और डैमेज देते हैं। आ जा भाई प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मुझे मजबूर मत कर मारने के लिए। क्यों नहीं हो रहा भाई, हाउ इज दिस पॉसिबल, कैसे नहीं हो रहा है। एक बॉल और फेंकते भाई, उसके बाद मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा। अब मैं जा रहा हूँ इसको मुक्का बजाने के लिए, एंड इसका HP पूरा ख़त्म करूँगा। 2-3 पर रोकूँगा इसका HP, एंड इसका HP 4 हो चुका है। अब फेंक कर देखते हैं, थोड़ा सा और ख़त्म करते हैं। एंड ये 2 हो गया, अब तो आ जाना चाहिए भाई। 2 HP में नहीं आ सकता तो क्या भाई। ओ माय गॉड भाई, कौन सा मिट्टी का बना है तू। आ जा भाई प्लीज़। अरे भाई मेरे साथ ग्लिच हो रहा है क्या भाई। 2 हेल्थ है इसका, लिटरली 2। एक मुक्का और मारते हैं, प्लीज़ मरना मत यार। 1 HP बचा, अब नहीं होगा तो मैं छोड़ दूंगा भाई। हो जा प्लीज़, यस हो जा भाई, हो जा 16%, हो जा प्लीज़। लेट्स गो भाई, हमने पकड़ लिया इसे। ओ भाई इतनी मेहनत के बाद भाई साहब पूरी रात निकल गई भाई। यहाँ पर तो दिन हो रहा है, रात से लड़ना स्टार्ट किया था यार। और भाई फाइनली हमारे पास आ चुका है ये। अब देखते हैं ये कौन सा पोकेमोन है, ये लड़ने में कैसा है। फिलहाल मैं इसको अपने बकरी के जगह पर ले लेता हूँ। तो ये है वो बॉस पोकेमोन। तो चलो गाइज आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। तो गाइज आई होप आपको ये वाली वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, एंड अगले एपिसोड में मैं इसकी पावर चेक करने वाला हूँ, इसकी ब्रीडिंग कराने वाला हूँ और बहुत कुछ करने वाला हूँ। तो 2nd एपिसोड को भूल कर भी मिस मत करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।